तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि यदि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, यदि बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है और आपने बच्चों के माता या पिता के आधार से उनका आधार वेरीफाइड किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अब हम बच्चे के नाम से आधार वेरीफाइड करें, तो इसके लिए आप लोगों को 18.5 में एक फैसिलिटी दे दी गई है, जिससे कि आप लोग बच्चे के नाम से भी आधार वेरीफाइड कर सकते हैं। माता पिता का जो आधार कार्ड डाला हुआ है उसको हटाएंगे और बच्चे का जो आधार कार्ड है वहाँ पे डालेंगे, तो बच्चे का आधार कार्ड जो है उनके नाम से ही वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखलाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप के बच्चों का आधार वेरीफाई उनके ही नाम से कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, ताकि जो भी प्रोसेस आपको समझाऊं आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि किस बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है, उस बच्चे की कैटेगरी में चलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि किन बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है और उनके नाम से अगर आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है तो उस बच्चे को हम यहाँ से ढूँढेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक बच्ची है जिसका नाम है आरुषि कुमारी, ठीक है। इसका उम्र 5 ईयर्स 4 मंथ है, तो इसको हम आज आधार वेरीफाई करेंगे, इसी के नाम से करेंगे, जबकि इसके माता या पिता के आधार से वहाँ पे आधार वेरीफाइड किया गया है। तो चलिए इसका हम आसानी से वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके नाम के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके माता के नाम से जो है कि आधार वेरीफाइड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एड चाइल्ड आधार, यानी कि आप लोगों को 18.5 में एक फैसिलिटी दे दी गई है कि बच्चे का आधार कार्ड डाल के हम लोग बच्चे के नाम से ही आधार वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। और बच्चे के नाम से आधार वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो माता का आधार कार्ड है वो यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए अब करना क्या है, हमें अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपडेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है चाइल्ड आधार नंबर, यानी बच्चे का आधार नंबर डालेंगे, चाइल्ड्स फुल नेम यानी एज पर आधार, जैसा कि बच्चे के आधार कार्ड पे दिया गया है वैसे ही आपको सेम टू सेम लिख लेना है। कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो आधार वेरीफाई है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे हम लोग एज पर आधार यानी कि आधार के अनुसार ही डालेंगे और यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, लड़का है या लड़की है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आधार नंबर डाल दिया है, नाम यहाँ पे एज पर आधार जैसा कि आधार कार्ड पे दिया गया है वैसा डाल दिए हैं, यहाँ पे आधार कार्ड पे जैसा डेट ऑफ बर्थ है वैसा हमने डाल दिया है और यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आधार वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चाइल्ड्स आधार वेरीफाई कम्प्लीटेड यहाँ पर दिखा दे रहा है, अभी आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, एक बार आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा तो आपका जो बच्चे के नाम से आधार वेरीफाई किया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले बैक कर लेते हैं और ये जो पेज है एक बार रिफ्रेश होगा, देर वेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं जिस बच्ची का हमने यहाँ पे आधार वेरीफाइड किया है वो आधार वेरीफाइड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आरुषि कुमारी यहाँ पे है, इसको हम लोग अभी आधार वेरीफाइड किए हैं, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हमने इस बच्ची का आधार वेरीफाइड किया, यहाँ पे इसके माँ के नाम से आधार वेरीफाइड दिखा रहा था, अब यहाँ पे इजिली चाइल्ड्स आधार यानी इस बच्चे के ही नाम से आधार वेरीफाइड कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप के जितने भी बच्चे हैं अगर उनका आधार कार्ड बन चुका है और उनके माता या पिता के आधार कार्ड से उनका आधार वेरीफाइड किया गया है, आप लोग इजिली बच्चे के नाम से आधार वेरीफाइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।